क्या करता हूँ, कंडीशन देता हूँ यहाँ पे, इफ का इस्तेमाल करता हूँ, कंडीशन देता हूँ कि जो ए है अगर वो इक्वल टू लेट्स से डी है, और यहाँ पे फिर मैं क्या कर देता हूँ, कोलन डाल देता हूँ, तो क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जैसे मैंने इफ एल्स में आपको बताया था, सिखाया था, इस तरीके से भैया आप क्या कर सकते हो, अगर एक ही स्टेटमेंट आपका इफ में एग्जीक्यूशन के लिए है तो आप उसको एक ही लाइन में कुछ इस तरीके से निपटा सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है। तो मैंने यहाँ क्या बोला कि जब भी ए की वैल्यू यहाँ पे डी हो जाएगी, मतलब पहले तो एस होगी, फिर एच, फिर आर, फिर आई, और फिर जब डी होगी और जब वो मैच कर जाएगा तो ब्रेक करना है, यानी कि डी एच ए आर, ये जो रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स हैं आपके स्ट्रिंग श्रीधर के, वो प्रिंट नहीं होने वाले हैं, बिकॉज तब तक जो है आपका जो कंट्रोल है वो फॉर लूप से बाहर निकल चुका होगा, और उसके बाद जो ये स्टेटमेंट आपके फॉर लूप के बॉडी में मौजूद है वो प्रिंट नहीं होने वाला है। ओके, तो इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं कि जैसा कहां है वैसा ही यहाँ पे हमें दिखा भी है, एस एच आर आई, इसके बाद डी एच ए आर प्रिंट ही नहीं हुआ है। ये है कमाल आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट का, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट जो है इसे हटा देता हूँ और दूसरा स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ, जो है कंटिन्यू, जो है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का क्या मामला है, कंटिन्यू भी आपको सेम रिजल्ट देगा जो कि आपको वाइल लूप दे रहा था, मतलब सेम बिहेवियर ही यहाँ पे आपको कंटिन्यू का देखने को मिलता है, सेम मतलब देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप जो है जैसे ही कंटिन्यू इस शब्द को इनकाउंटर करते हो, जैसे ही कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करने जाते हो, आपका जो करंट इटरेशन है उसे आप क्या करते हो, स्टॉप कर देते हो। करंट इटरेशन को आगे आप एग्जीक्यूट ही नहीं करते हो, उसे वहीं छोड़ देते हो और अगले इटरेशन की तरफ बढ़ते हो। यहाँ पे इन दिस केस जैसे आपका ए इक्वल टू डी आ जाएगा आप, और फिर उसके बाद कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करोगे, उसके नीचे का जो भी पोर्शन है वो आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, उस इटरेशन को, करंट इटरेशन को वहीं स्टॉप कर दोगे और फिर तुरंत अगले वाले कैरेक्टर पे जाओगे, अगले वाला कैरेक्टर मतलब डी के बाद एच। तो यहाँ पे डी जो है आउटपुट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ डी प्रिंट नहीं होगा, बाकी एच प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, आर प्रिंट होगा, लेकिन सिर्फ डी प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज फॉर ए इक्वल टू डी यहाँ पे मैंने बोल दिया कंटिन्यू, यानी कि इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं करना इस करंट इटरेशन में, यानी प्रिंट ए नहीं होगा, प्रिंट ए नहीं होगा, मतलब वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा उस वक्त उस इंस्टेंस पे वो डी होगा, तो प्रिंट डी नहीं होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। और अभी इसे मैं प्रूफ करता हूँ बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो आपके सामने रिजल्ट है, एस प्रिंट हो गया, एच हो गया, आर हो गया, आई हो गया, लेकिन डी नहीं हुआ, और डी के बाद तुरंत एच हुआ, ए हुआ और आर हुआ। यही है भैया कमाल कंटिन्यू स्टेटमेंट का, अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने तो बता दिया यार आपको, ये लिस्ट हो सकता है एक तरीके से, सीक्वेंस आपका टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, यहाँ तक कि एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सब नहीं चाहते, यू यू डोंट वॉन्ट दिस थिंग, आप क्या चाहते हो कि कितनी बार आपका जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो, वो आप रिस्पेक्टिवली डिसाइड करना चाहते हो बाय यूजिंग सम नंबर्स। यस, मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे जो है भैया मेरा जो रिस्पेक्टिव लूप है वो मुझे 5 बार दौड़ाना है, 5 बार उसको रन करना है, 5 बार मुझे क्या करना है, जो फॉर लूप की बॉडी के अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो मुझे 5 बार यहाँ पे रन करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो स्पेसिफाई किया गया है जिसका नाम है रेंज, इसका नाम क्या है, रेंज स्पेसिफाई किया गया है, और उसे आपको क्या करना है, उसके अंदर 5 लिख देना है, उसके अंदर 5 ही पैरामीटर पास करना है। कहने का मतलब यहाँ पे फिर अभी एग्जीक्यूशन होगा कैसे, कि यहाँ पे शुरुआत होती है, स्टार्टिंग जो होता है वो 0 से होता है, बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग रेंज पकड़ी जाती है वो 0 पकड़ी जाती है, और वो फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 तक आके रुक जाता है। मतलब यहाँ जो नंबर स्पेसिफाई किया है, जैसे कि मैंने इस केस में नंबर जो है 5 स्पेसिफाई किया है, तो 5-1 तक यहाँ पे आपका जो फॉर लूप है वो दौड़ने वाला है, रन होने वाला है, ये उसका सिंपल सा मतलब है। तो अगर यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे एन है, तो कहां तक रन होगा वो, इट विल रन टिल n-1, कहां तक होगा, n-1 तक। तो यहां मैंने 5 लगा दिया, अब मैं क्या करता हूं, ये कंटिन्यू का मामला हम समझ चुके हैं, इसको भी हटा देते हैं और सिर्फ इसको इतना ही रखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कहां तक भैया वो रेंज पकड़ रहा है, कहां से शुरू कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड विल बी एट 4, नॉट 5। ठीक है, 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब आप देख सकते हो आउटपुट उसी हिसाब से आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, पहले तो भैया ए की वैल्यू 0, फिर उसके बाद उसे तुरंत प्रिंट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4, एंड फिर 4 के बाद वो एंड हो चुका है। तो इस तरीके से भैया आप जो है रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके
नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो जितनी बार आप अपने उस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, रन करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं काइंड ऑफ आप स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो भी वहां पे प्रोवाइड करो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी वहां पे उस रेंज में प्रोवाइड करो, तो वो भी आप कर सकते हो बाय एडिंग वन मोर पैरामीटर। लेट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 2 से 2.5, तो अभी यहाँ पे क्या हो गए, मेरे पास 2 पैरामीटर हो गए इस रेंज फंक्शन के लिए। पहला जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो स्टार्टिंग ऑफ द रेंज होता है, कि आपको 0 से नहीं शुरुआत करनी है। जैसे हमने बताया था कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने ये पैरामीटर पास नहीं किया है, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट पास नहीं किया है, तो वो स्टार्टिंग जो है वो 0 से ही बाय डिफॉल्ट पकड़ने वाला है, वहीं से शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया 0 से शुरू मत हुई हो, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होना है, और आपको खत्म कहां तक होना है, 4 तक, बराबर है। 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 2 इज इंक्लूडेड, स्टार्टिंग पॉइंट इज इंक्लूडेड बट एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट -1 जो है वहां तक वो आपका लूप जो है वो भागने वाला है। तो अभी भैया इस बिहेवियर को भी थोड़ा समझते हैं, प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं, और यहाँ प्रिंट होना शुरू होगा 2 से, तो रेंज क्या है 2, 3, 4, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बड़े बड़े आंकड़ों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो दोस्तों, बड़े बड़े आंकड़े जो है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब यहाँ हो क्या रहा है, बाय डिफॉल्ट दोस्तों जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 1 से हो रहा है, बराबर, ऑटोमेटिकली जो इंक्रीमेंट होता है आपका फॉर लूप में, और स्पेसिफिकली यहाँ पर रेंज फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीमेंटिंग बाय डिफॉल्ट बाय 1 इन ईच इटरेशन, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे आपने देखा ना, पहले 2 हुआ, फिर उसके बाद वो 3 पे आया, फिर उसके बाद वो 4 पे आया, फिर 5 पे आया, नॉट 5 पे, 5 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो 4 तक आया, बराबर। तो यहाँ हुआ क्या, पर इटरेशन 1 से आप इंक्रीमेंट करने की यहाँ पे कोशिश में लगे हुए हो, बराबर। लेकिन अगर मैं चाहूं, मैं इसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाना चाहूं, और अगर यूजर का पर्पज ये है कि मैं 1 से इंक्रीमेंट नहीं करना चाहता, लेट से यहाँ पे मैं 2 से इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ हर इटरेशन में, तो आपको इस तरीके से अपना थर्ड पैरामीटर भी स्पेसिफाई करना है। तो ये वाला जो 2 है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है, और ये जो है एक तरीके से आपका कितना इंक्रीमेंट करना है पर इटरेशन, वो आंकड़ा यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 से होता है, ओके। यहाँ पे कहां तक चलना चाहिए भैया, 5, ये नंबर स्पेसिफाई किया है, लेकिन इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, -1, 4 तक ही चलने वाला है। और फिर यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया थर्ड पैरामीटर जो है कि भैया कितना इटरेशन, मतलब एक इटरेशन में कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई क्या किया है, 2 किया है। तो अभी देखते हैं भैया इसका आउटपुट क्या निकलता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, इनिशियली तो वो 2 में गया, 2 इंक्लूडेड होता है, तो 2 के बाद फिर क्या हुआ, 3 और 4, 2 से इंक्रीमेंट हुआ, और 2 से इंक्रीमेंट होने का जैसे आपको पता है कि 4 पे ही वो खत्म होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 5 हमने मेंशन किया जो कि इंक्लूड नहीं होने वाला, तो 4 तक ही वो रन करता है। वो जिस तरीके से भैया रेंज फंक्शन का जो कमाल है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, समझा दिया, इसका भी इस्तेमाल जो है वो एज पर योर नीड जो आपको सूट करता है वो आप इस रेंज फंक्शन का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो।